दादा राम राम। राम राम जी। मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह यादव है, मैं एक्सेल डेवलपमेंट सर्विस से आया हूँ। आप अपना नाम बताएंगे? गोविंद सिंह कुशवाहा। आपका नाम गोविंद सिंह कुशवाहा है। आपके गांव का नाम क्या है दादा? गोपालपुर मालदा। आपके गांव का नाम गोपालपुर मालदा। दादा हमने सुना है आप भिंडी की खेती बहुत अच्छी विधि से करते हो, आप हमको बताएंगे किस प्रकार करते हैं? हाँ, जुताई करते हैं, 3-4 बार जुताई करने के बाद में फिर बाय बढ़िया क्यारी बनाने पड़ते हैं, क्यारी बनाए के बाद में फिर लगाव जाते। अच्छा, आपके कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले आप 2-3 बार खेत की जुताई करते हैं? दो तीन बार खेत की जुताई, क्यारी बनाते हैं, फिर उसके बाद में उसको लगा दें। अच्छा दादा, फिर आप क्या करते हैं उसका? इसको बीज लगाओ जाते हैं क्यारी, इसमें बीज लगा दें। तो आप बीज लगाते हैं, मतलब पौध तैयार करते हो कि डायरेक्ट ही, मतलब बीज बीज लगाना पड़ता, पौध तैयार, पौध नहीं लग जाएगी, बीज ही लगा, बीज ही लगते हैं इसका लगता है इसका। तो बीज लगाने के बाद ये बीज किससे, बीज की दूरी कितनी होती है एक बीज से दूसरे बीज? एक फुट दूर लगता है एक बीज से दूसरे बीज। एक फुट। एक उग कितने दिन में आता है? ये 4-5 रोज में उगे आते हैं, 4-5 दिन में उग आता है। दादा आप इसमें आपने बताया कि इसमें बीज 4-5 दिन में उगे आता है, बीज लगाने से पहले इसमें पानी? हाँ, इसमें एक बार पानी देना पड़ता है, ये बाद में फिर बीज लगाओ जाते। आप बीज लगाने से पहले इसमें एक बार पानी देते हैं? हाँ। फिर बीज उगाता है उसके बाद क्या करते हैं? फिर भी पानी देना पड़ता है। अच्छा, उसके बाद भी बीज उगने के बाद पानी देना पड़ता है। दादा इसमें आपने बताया कि बीज लगाते हैं, तो इसमें बीज लगाते समय इसमें पौध तैयार होने तक इसमें मतलब रोग मोग आते हैं कुछ? नहीं, छोटे छोटे तक तो नहीं जाने, ज्यादा बड़े हुए जब रोग आते हैं। अच्छा, छोटे छोटे तक कोई रोग नहीं? कोई नहीं जाए। तो थोड़ा बड़ा होने के बाद रोग? बड़ा होने के बाद यार। तो इसमें रोग कौन सा आता है? सबसे पहले तो जहाँ वायरस आते हैं, पीरो पेदर पर जाते हैं। तो उसकी रोकथाम के लिए करते हैं वो दवाई? हम जाते हैं बाजार में बेचा कहते हैं वायरस की कोई नहीं है दवाई। अच्छा, उसकी कोई दवाई? उसकी दवाई। तो रोकथाम के लिए आप क्या करते हैं? वही दवाई डालते रहते, मतलब हरे व मच्छर वाली। अच्छा, और का रोकथाम हो जाती है? बोलने के बाद शांति पड़ जाते हैं उतनी नहीं रही। अच्छा दादा, आपने ये भिंडी की खेती की है, आपने इसका पौधा लगाना बताया, बीज लगाना बताया, तो इसमें आप ये कितने दिन तैयार हो जाता है? जी, 1-1.5 महीना हम चालू हो जाती है। 1-1.5 महीने में आपकी भिंडी तैयार हो जाती है। अच्छा दादा, आपने ये बीज लगाने की विधि बताई, तो इसमें आप लगाने से पहले बीज वगैरह डालते हो, खाद डालते हो? हाँ, खाद डाल देते हैं, देसी भी डाल देते हैं, सुपर भी डाल देते हैं। अच्छा, आप इसमें देसी खाद या सुपर खाद? हाँ, और का। अच्छा दादा, आपने ये भिंडी की खेती की है, तो आपने कितने जमीन में की है? 1 बीघा में की। अच्छा, आपने ये भिंडी की खेती 1 बीघा में की है, तो बीज कितना लगता है 1 बीघा में? 1 बीघा में 1.5 किलो का अंदाज लगता है, 1.5 किलो का अंदाज लगता है, 1.5 किलो। अच्छा, पर जात 1 बीघा में आपका 1.5 किलो बीज लगता है। अच्छा दादा, आपने कहा कि इस 1-1.5 महीने में भिंडी इसमें मतलब पूरी तरह से फसल तैयार हो जाती है, इसमें फल लगने लगते हैं, तो इसमें फल लगने के बाद कोई रोग वगैरह लगते हैं? हाँ, वो बाहर वो मच्छर लगता है, हरा वाला, इसमें हरा वाला मच्छर लगता है, तो उसकी रोकथाम के लिए आप क्या करते हैं? मीडिया दवाई डालते हैं इसमें? आप मीडिया दवाई डालते हैं, उससे रोकथाम हो जाती है? वहाँ बात बिल्कुल बात सही हो जाती है, बिल्कुल सही हो जाती है। ठीक है। अच्छा दादा, आपने भिंडी की जानकारी बताई, इसमें आपका उत्पादन कितना हो जाता है? अरे तो अन्ना है नंजवा को उत्पादन को, बस हम तो बाजार जाते का वो 50-60 हज़ार रुपया का अंदाज से जजमेंट बन जाता वहाँ। अच्छा, आप कहने का मतलब ये उत्पादन का सही अंदाजा नहीं? और का अंदाज नहीं लग पा, इसमें रोज बेचते हैं और का रोज डेली जाती है, करीब आप 50-60 हज़ार रुपये? हाँ, 50-60 फायदा लाभ कमा लेते हैं। हाँ, कमा लेते। 1 बीघा? चलिए, आप मैंने भिंडी की खेती की है वो बताता हूँ। ठीक है, चलिए चले भैया अपन। आओ चलो। हाँ देखो जी, हमने फल भिंडी लगाई है, इसमें फल लगने लगे हैं, पूरी तरह से तैयार। हाँ, आपकी ये फसल पूरी तरह तैयार हो चुकी है। हाँ, एक भिंडी हमारी लगने लगी है, कम से कम 1 बीघा में लग रही है। अच्छा, ये आपकी सारी फसल में ये? हाँ, फल लगने लगा है। ये आपकी सारी फसल में भिंडी लगने लगी है? हाँ, तैयार हो चुकी है। तैयार हो चुकी है, फल भी लग चुके, फल भी लग चुका है। हाँ, एक ये दूरी एक एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक 1 फुट की दूरी है। अच्छा, आप कहने का मतलब ये आपकी ये भिंडी का फसल जो है एक पेड़ से दूसरे पेड़ की दूरी 1 फुट है। हाँ। अच्छा दादा, आप ये बताया कि आप इसमें 1 फुट की दूरी रखते हैं, तो इसमें दूरी बीच में क्यों रखते हैं? अरे ये चल भी फिर भी मैंने एक आसानी पड़ता है, थोड़े भी कर भी मैं आसानी हो जाता है। अच्छा, इसमें आप भिंडी की फसल, भिंडी की जो फल तोड़ते हो और कब हमने चले फिर भी मैं चलने फिरने में आसानी आती है। अच्छा दादा, आपने हमें भिंडी की फसल की खेती मुझे जानकारी दी, भिंडी की जानकारी दी, इसके बहुत सारी जानकारी, किस प्रकार लगाना चाहिए, पानी कितना देना चाहिए, कौन सा खाद डालना चाहिए, कौन सी दवाई देनी चाहिए, इसके लाभ क्या क्या हमें बताएंगे?
हाँ बताएंगे, इसमें ज्यादा लाभ चाहिए है कि जिसमें लागत कम लगती है, उत्पादन ज्यादा होते हैं, इसलिए जी अच्छी लाए। अच्छा, इसमें लागत भी कम लगती है और और का उत्पादन लग अधिक होता हाँ है, होता इसके है मतलब बहुत सारे लाभ। और का। दादा आपने हमें ये भिंडी की फसल की जानकारी दी, हाँ इसके लाभ बताएं, इसके लिए हमारे किसान भाइयों के लिए आप संदेश देना चाहेंगे? हाँ सब किसान भाइयों के बताना चाहता हूँ कि भिंडी की फसल अच्छी है। गेहूँ चना बोते हैं तो 4-5 क्विंटल काटते हैं, भिंडी ऐसी है कि 50-60 हज़ार रुपया की बिक जाती है। हाँ मैं चाहता हूँ सभी सभी किसान भाइयों सब भिंडी की फसल हाँ भले करें। थोड़ी सी ज़मीन में करें। दादा आपने हमें भिंडी की फसल की जानकारी दी, हाँ इसको किस प्रकार करना चाहिए, हाँ इसके लाभ बताएं और एक हाँ अच्छा संदेश भी दिया, हाँ उसके लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। जय धन्यवाद। राम जी। जय जय राम।